नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और उनकी सुपर डुपर हिट फिल्म दाग की। दाग एक ऐसी कहानी जिसने और एक ऐसी फिल्म जिसने हिंदी सिनेमा को वो नायाब गीत दिए, वो संगीत दिया जो आज तकरीबन 50 साल बाद भी उसी तरीके से सुने जाते हैं। मैं जहां हूं वहां पर बारिश हो रही है, इसलिए बारिश की फुहारों की आवाज़ें भी आप तक पहुंच रही होंगी, लेकिन फिलवक्त ये किस्सा सुनिए। क्योंकि जब भी राजेश खन्ना के सुपर स्टारडम का जिक्र होता है तो हमेशा लिखा जाता है कि 1972 के अंत तक उनका सुपर स्टारडम ख़त्म हो गया था। ये बात पूरी तरह से गलत है। दरअसल सुपरस्टार बनने के बाद पहली बार उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हुई थीं, लेकिन ये बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी उस दौर के मीडिया ने बना दी थी। फिल्म मीडिया और इंडस्ट्री के कुछ लोग शायद उनके गिरने का इंतज़ार कर रहे थे, गिरने का यानी करियर के लिहाज से। और लोगों ने राजेश खन्ना की आलोचना की, उन पर अलग अलग तरीके से निशाने लगाए और उनके पतन का इंतज़ार किया। क्योंकि राजेश खन्ना की करिश्माई कामयाबी ने इन सब लोगों की तुलना में उन्हें बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंचा दिया था। जो फिल्में फ्लॉप भी हुई थी उन्होंने अच्छी कमाई की थी, लेकिन इसका जिक्र कहीं मिलता नहीं क्योंकि मीडिया ने नहीं लिखा। और अपना पूरा खर्च उन फिल्मों ने वसूल किया था। हाँ, उनकी ब्लॉकबस्टर्स की तुलना में ये काफ़ी कम चली थी। जे ओम प्रकाश बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में बताते हैं कि बस कुछ फिल्में नहीं चलीं इसका मतलब ये नहीं कि वो फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो गया था। सच तो ये है कि उसने इसी दौर में बड़े बजट की कई फिल्में साइन की थीं। फिल्म बिजनेस से जुड़े हम लोग जानते हैं कि यहाँ हर शुक्रवार किस्मतें बदलती हैं। हमें पता था कि बस कुछ ही समय की बात है और राजेश खन्ना ज़बरदस्त वापसी करेगा। ये बातें जे ओम प्रकाश ने सालों बाद एक इंटरव्यू में कही। राजेश खन्ना ने खुद कबूल किया कि उनकी सफलता के चरम पर वो थे और उन्होंने परिप्रेक्ष्य को खो दिया था। उन्होंने माना कि वो अपने स्टाइल और एक्टिंग को दोहरा रहे थे। और राजेश खन्ना बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में कहते हैं कि डायरेक्टर जोर देकर मुझसे कहते थे कि उसी तरह आंखें झपकाओ जैसे तुमने आराधना में किया था, और इन अदाओं का ज़्यादा इस्तेमाल ही बाद में मेरे खिलाफ चला गया और ऐसा कब हुआ मुझे पता भी नहीं चला। हालांकि फैंस कुछ नयापन चाहते थे जो उन्हें राजेश खन्ना की अगली फिल्म राजा रानी में भी नहीं मिला। राजा रानी भी फ्लॉप हो गई। करियर में जो भी घट रहा हो, राजेश खन्ना की निजी जिंदगी में खुशियां लौट आई थीं। मई 1973 में जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना और डिम्पल की शादी का जश्न मनाया जा रहा था, लगभग उन्हीं दिनों एक और घटना हुई। रोमांटिक हिंदी फिल्मों के बीच एक मारधाड़ वाली एक्शन फिल्म रिलीज हुई जो बदले की कहानी पर आधारित थी और फिल्म का नाम था जंजीर। हीरो थे फिल्म आनंद में राजेश खन्ना के सहनायक रहे अमिताभ बच्चन, और इस फिल्म को लिखा था राजेश खन्ना की सबसे खास रही स्क्रिप्ट राइटर्स की जोड़ी सलीम जावेद ने। फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और इसी के साथ हिंदी सिनेमा को एक नया नायक मिला, एक एंग्री यंग मैन। ये किरदार राजेश खन्ना की तरह नौजवानों को खूबसूरत रोमांस की सपनीली दुनिया में नहीं ले जाता था, बल्कि अपने ऊपर हुए जुल्मों के खिलाफ खड़े होकर आवाज बुलंद करता था। एक नए तरीके का हीरो था जिसे सलीम जावेद ने गढ़ा था। और अपने नफासत भरे गुस्से से ये एंग्री यंग मैन रोमांटिक कहानियों में डूबे दर्शकों को जैसे याद दिला रहा था कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। लेकिन राजेश खन्ना क्या इसे समझ पा रहे थे? शुरुआत से ही चूंकि हिंदी सिनेमा कहानी प्रधान कम रहा है और स्टार प्रधान ज़्यादा, यानी कि कहानी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई जितनी स्टार को दी गई कि फला सितारा है तो फिल्म चलनी ही चलनी है। राजेश खन्ना के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता था। और ख़ासतौर पर उस दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा माना जाता था कि रोमांटिक हीरो को अपनी इमेज
हर हाल में बचा कर रखनी है। उसे देखकर सिनेमा हॉल में बैठी लड़की को ये लगना चाहिए कि यही उसके सपनों का राजकुमार है, और अगर लड़कियों को ये लगने लगा कि उनका हीरो तो किसी और का हो चुका है, यानी शादी कर चुका है, तो ऐसा माना जाता था कि ये हीरो और उसकी फिल्मों के लिए खतरे की घंटी है। शायद यही वजह थी कि 60 के दशक के कई मशहूर शादीशुदा स्टार्स तस्वीरों में अपनी पत्नी के साथ बहुत कम ही नजर आते थे, और ये एक अनकहा नियम था कि अपने इंटरव्यूज में वो कोई स्टार्स और रोमांस पर तो चटपटी बातें करेंगे, लेकिन पत्नी का जिक्र जितना कम हो उतना अच्छा। लेकिन आज वक्त बदल गया है, आज के सभी टॉप स्टार शादीशुदा हैं और वो इस बात को खुलकर बयां करते हैं, लेकिन 60 और 70 के दशक में फैंस की उम्मीदों में एक अलग तरह की मासूमियत और पॉजिटिवनेस हुआ करती थी, जिसकी वजह से शादी के जिक्र से सितारे अक्सर बचा करते थे। राजेश खन्ना की शादी के बारे में भी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के ख्याल घबराहट से भरे हुए थे, खासतौर पर वो लोग जिनका पैसा राजेश खन्ना की फिल्मों पर लगा था। एक तो राजेश खन्ना पहले से ही बुरे दौर से गुजर रहे थे, और अब 16 साल की डिंपल से यूं अचानक शादी करके उन्होंने देश भर में अपनी दीवानी फैंस को भी नाराज कर दिया था। देश भर की खन्ना फैन लड़कियों की सामूहिक जलन का निशाना शायद डिंपल कपाड़िया थी। मशहूर फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी अक्सर एक किस्सा सुनाया करते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि राजेश खन्ना की एक दीवानी फैन का किस्सा है। राजेश खन्ना की शादी से ये फैन इतनी ज़्यादा खफा हुई कि गुस्से में वो एक कुत्ता खरीद लाई और उस कुत्ते का नाम उसने डिंपल रख दिया। फिर नाम ले लेकर हर रोज़ इस कुत्ते की पिटाई करती थी। मोहल्ले वालों के लिए जब कुत्ते का चीखना बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन्होंने पुलिस को शिकायत कर दी, और आखिरकार बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते को किसी तरह उस लड़की से छुड़ाया गया। ये राजेश खन्ना के प्रति दीवानगी की हद थी, और ऐसी खबरों के चलते इंडस्ट्री में कई लोगों का मानना था कि राजेश खन्ना के इस कदम से उनकी रोमांटिक इमेज में दरार डल गई है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये डर था कि इसका खामियाजा कहीं उनकी जल्दी रिलीज होने वाली फिल्म दाग को न भुगतना पड़ जाए, दाग जिसकी बात आज हम कर रहे हैं। दाग यशराज बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी। ये बैनर आज बेशक देश की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बन चुका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने पंख फैला चुका है, लेकिन इस बैनर की नींव जब यश चोपड़ा ने रखी तो इसकी पहली फिल्म राजेश खन्ना ने की थी, जो पहले अपने भाई बीआर चोपड़ा के साथ काम किया करते थे, और 1969 में वो बीआर फिल्म्स की इत्तेफाक में राजेश खन्ना को डायरेक्ट कर चुके थे। जब बीआर चोपड़ा से अलग होकर यश चोपड़ा ने अपनी कंपनी शुरू करने की कोशिश की तो शुरुआत में पैसों की कमी के चलते उन्हें काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। यश चोपड़ा ने राजेश खन्ना से अपनी फिल्मों में काम करने की बात की, और डायरेक्टर रमेश तलवार, जो फिल्म दाग में यश चोपड़ा के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वो बात के दिनों में एक इंटरव्यू में बताते हैं कि न सिर्फ राजेश खन्ना ने यश चोपड़ा की फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी थी, बल्कि ये भी कहा कि वो उनकी जो फीस है उसे भी वो कम कर दें। यानी कि जो राजेश खन्ना उन दिनों फीस लिया करते थे उससे भी कम फीस में वो फिल्म दाग करने के लिए तैयार थे, और जब उन्हें फाइनेंसर मिल जाए और पैसे आ जाएं तब वो मेरे पैसे चुका दें, ये बात भी काका ने कही। उस जमाने में फिल्म पत्रिका और इंडस्ट्री में ये जिक्र खूब होता था कि यश चोपड़ा राजेश खन्ना की मदद और उदारता से इतने खुश हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम यश और राज, राज यानी कि राजेश खन्ना को मिलाकर यशराज रखा है। हालांकि दोनों की तरफ से कभी इस पर कोई आधिकारिक सफाई नहीं दी गई कि हम दोनों ने अपने नाम को जोड़कर यशराज बनाया है। रमेश तलवार बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में बताते हैं कि राजेश खन्ना ने दाग के दौरान अपना पूरा फोकस दिया, पूरा सहयोग दिया। सुपरस्टार के लीड रोल में आने के बाद जल्दी ही यश चोपड़ा को फाइनेंसर भी मिल गई। फिल्म समय पर पूरी होकर रिलीज के लिए तैयार थी। दाग की कहानी अंग्रेजी फिल्म
सनफ्लावर से मिलती थी, जो एक उपन्यास द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज पर आधारित थी। लेकिन इस कहानी को भारतीय दर्शकों के हिसाब से ढालने के लिए यश चोपड़ा ने गुलशन नंदा से इसे दोबारा लिखवाया और ये समाज के जो बनाए रिश्तों पर आधारित एक आवाज उठाती हुई, सवाल उठाती हुई साहसिक फिल्म बन गई। लेकिन यश चोपड़ा ने इसे बड़े ही मैच्योर अंदाज में इसका निर्देशन किया। राजेश खन्ना ने बेहतरीन रोमांटिक किरदार निभाया और अपनी खास अदाएं काबू में करके उन्होंने बेहद संयमित परफॉर्मेंस दी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की शुरुआत धीमी थी, लेकिन कुछ ही दिन में थिएटर्स में फैंस की भीड़ फिर लौट आई थी। राजेश खन्ना की शादी के बावजूद उनके फैंस ने उन्हें छोड़ा नहीं था, ये बात इस फिल्म ने साबित कर दी। सबको गलत साबित करते हुए फिल्म दाग ने कामयाबी का परचम लहरा दिया। प्यार के रिश्तों की गहराई, उनकी उलझन और इन रिश्तों पर जमाने की बंदिशों को बयां करते हुए गीतकार साहिर लुधियानवी ने बेहद खूबसूरत गीत लिखे। दाग में जहां मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, या फिर हम और तुम, या फिर जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, जैसे मशहूर गीत हैं। ये वो गीत हैं जो आज भी गाए और गुनगुनाए जाते हैं। वहीं महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया नी मैं यार मनाना नी जैसा प्रयोगात्मक और बोल्ड गीत भी इस फिल्म का हिस्सा है। साहिर लुधियानवी की खासियत थी कि फिल्मी शायरी की हद में रहते हुए वो गहरी बात कह जाते थे। फिल्म दाग के एक सीन के लिए उन्होंने शायरी भी लिखी थी जो राजेश खन्ना पर फिल्माई गई, और ये डायलॉग फिल्म के अहम सीन में सुनाई देता है और अपनी खूबसूरत आवाज से राजेश खन्ना ने इसमें एक तरीके से जान डाल दी। और ऐसा लगता है जैसे ये लाइनें जिंदगी और करियर की आपाधापी से गुजरते हुए सुपरस्टार की अपनी कहानी बयां हो रही हो। निजी जिंदगी में भी ये लफ्ज राजेश खन्ना के दिल के बेहद करीब थे और यही वजह थी कि उस दौर से लेकर अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक जब भी उन्हें किसी मंच पर बुलाया जाता वो इन पंक्तियों को दोहराना नहीं भूलते। साहिर लुधियानवी के लफ्ज जैसे राजेश खन्ना की जिंदगी का सार बन गए, और वो लफ्ज थे इज्जतें शोहरतें चाहतें उल्फतें। इज्जतें शोहरतें चाहतें उल्फतें कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। साहिर लुधियानवी की लिखी इन पंक्तियों को राजेश खन्ना ने जैसे आत्मसात कर लिया था, उनके रूह में बस गई थी और आखिर तक उनके साथ जुड़ी रही। डिंपल के रूप में राजेश खन्ना की जिंदगी में प्यार लौट आया था, साथ ही रूठी हुई किस्मत और कामयाबी भी वापस आ गई थी। खुशियां और फिल्म प्रोड्यूसर्स उनके कदमों में थे और ये आशीर्वाद में उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल था। ये वो पल था जब राजेश खन्ना के बारे में कहा जा रहा था कि उनकी फिल्में चलती नहीं हैं, उस लिहाज से राजेश खन्ना ने दाग जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म दी थी, जो अपने आप में एक ऐसी फिल्म बनकर सामने आई जिसने राजेश खन्ना के उस करियर को वापस लाकर खड़ा कर दिया जिसमें रोमांस के लिए या रोमांस के पर्याय के रूप में सिर्फ राजेश खन्ना है। दाग की कहानी कुछ इस तरह से है। युवा सुनील कोहली यानी जिसके किरदार में राजेश खन्ना है, और सुंदर सोनिया यानी कि शर्मिला टैगोर को वो पसंद करने लगता है, और जल्दी ही वो शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ख़राब मौसम की वजह से वो सुनील के मालिक के बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। जब सोनिया अकेली होती है तो बॉस का बेटा धीरज कपूर, जिसके किरदार में प्रेम चोपड़ा है, उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन सुनील समय पर पहुंच जाता है और एक लड़ाई दोनों में शुरू हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप धीरज की उस लड़ाई में मौत हो जाती है। सुनील को गिरफ्तार किया जाता है और बाद में अदालत ने उसे मौत की सजा सुना दी, लेकिन जेल जाते समय उसे ले जाने वाली पुलिस वैन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और सभी लोग मारे जाते हैं। और फिर सालों बाद फिल्म आगे बढ़ती है। सालों बाद सोनिया एक स्कूल में टीचर के रूप में काम कर रही होती है और सुनील अपने बेटे को
जो सुनील का और उसका बेटा होता है उसको पाल रही होती है। उसे पता चलता है कि उसका पति अभी भी जीवित है और वो सुधीर के रूप में एक नई पहचान के साथ जी रहा है, और उसकी शादी चांदनी यानी जिसके किरदार में है राखी है, राखी गुलजार, चांदनी नाम की एक अमीर महिला से हो रही है। पुलिस वैन से भागने के बाद सुनील ने चांदनी से मुलाकात की और उसके प्रेमी ने उसकी गर्भावस्था के बारे में जानने के बाद उसे छोड़ दिया था। सुनील ने अपनी नई पहचान स्थापित करने में मदद के बदले उसके बच्चे को वैधता प्रदान करने के लिए उससे शादी की, और अब इतने सालों के बाद कानून एक बार फिर उसके दरवाजे पर है, और इस बार हालांकि उसके नाम एक और अपराध है, और वो अपराध है शादीशुदा होते हुए दोबारा से शादी करने का। यही फिल्म दाग है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।